पिछले एक हफ्ते से आदिवासियों के हिंदू होने या ना होने का मुद्दा गरमाया हुआ है। आज सुबह से ही ट्विटर पर हैशटैग आदिवासी हिंदू नहीं है ट्रेंड हो रहा है, वो भी पहले नंबर पर, जिस पर करीब 13,000 से अधिक लोगों ने अपना समर्थन दिया है। चलिए जानते हैं असली माजरा क्या है, आदिवासी हिंदू है या नहीं। इस पर मंत्री कवासी लखमा ने पिछले दिनों राजधानी रायपुर में दिए गए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल कवासी लखमी ने हिंदू धर्म और आदिवासियों को अलग कर दिया है। लखमी ने कहा कि हिंदू और आदिवासियों का रीति रिवाज अलग अलग होता है। हम लोग आदिकाल में रहने वाले लोग हैं और हम लोग जंगल में रहते हैं। हम जो पूजा पाठ करते हैं वो अलग है और हिंदुओं की पूजा पाठ अलग है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव के पुजारी के पास जाता है, हम कोई पंडित से पूजा नहीं कराते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। उन्होंने कहा कि हिंदू और आदिवासियों के रीति रिवाज अलग अलग है। जहाँ पहाड़ है जहाँ धरती है और जंगल में रहने वाला ही आदिवासी है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा की ओर से आदिवासियों को लेकर दिए गए इस बयान पर प्रदेश में सियासत गरमा गई। उनके बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए। आदिवासी नेता केदारनाथ कश्यप ने कांग्रेस आदिवासियों को बांटना चाहती है। केदारनाथ कश्यप ने कहा, हम लोग दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाते हैं जो कि हिंदुओं का पर्व है। कवासी लखमा को आदिवासियों के बारे में कुछ पता नहीं है। कवासी लखमा किस आधार पर कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम तो कई पीढ़ियों से भगवान गणेश और माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। केदारनाथ कश्यप के अनुसार कवासी का बयान आदिवासी समुदाय के लोगों को बांटने की कोशिश है। पूरे देश में आदिवासी समाज के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वहीं झारखंड के सीएम सोरेन ने कहा, इस पर कोई भ्रम नहीं है, आदिवासी न कभी हिंदू थे न कभी हिंदू है। आदिवासी प्रकृति के उपासक है और उनके रीति रिवाज और प्रथाओं का एक अलग समूह है और यही कारण है कि उन्हें आदिवासी और स्वदेशी लोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।